मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी में भी हाल कुछ ठीक नहीं है। यहाँ 10 से 12 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। डेढ़ महीने से लोग टूटी हुई पुलिया से सफर कर रहे हैं, जहाँ थोड़ी सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। जोखिम में है लोगों की जान, दर्जनों गांव के लोग हैं परेशान, प्रशासन क्यों नहीं दे रहा ध्यान? बंदर बाट बना करके रखा हुआ है, पाइप नहीं लगा पाएंगे ऐसा बोला। आने जाने का ये बनाया ना, ये सफर खतरों से भरा है। डायवर्शन पुलिया टूटी हुई है, नीचे नदी की तेज धार भयंकर नाद करते हुए आगे बढ़ रही है और एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोग इसी सैलाब को जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। डिंडोरी जिले में गोपालपुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां की मैं यह तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां लोग जान जोखिम में डालकर इस डायवर्सन को पार करते नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें हमने कई बार दिखाई, यह वही पुल है, यह वही सिवनी नदी है, यह वही डायवर्सन मार्ग है जहाँ पर सैकड़ों कांवड़िए भी पार करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आप तस्वीरों में देख लीजिए किस प्रकार से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यहाँ इस डायवर्सन को पार करते नजर आ रहे हैं। करीब डेढ़ महीने से डिंडोरी के गोपालपुर गोरखपुर मार्ग में स्कूली बच्चे इसी रास्ते से निकलते हैं। लोग जोखिम के साथ बाइक निकालते हैं। टूटी पुलिया के ऊपर से पानी बहता है, पत्थरों पर पैर फिसलने का डर है। थोड़ी भी चूक हुई तो जिंदगी पानी के आगोश में समा सकती है। अभी तक जल स्तर कम है, बारिश में अचानक पानी बढ़ जाए तो सोचिए क्या होगा। अब आप यहां से निकलने वालों की मजबूरी भी समझ लीजिए। 12 से ज्यादा गांव गोपालपुर पर निर्भर, कई गांवों के बच्चे आते हैं स्कूल, गोपालपुर में ही थाना और अस्पताल, बाजार के लिए आते हैं कई गांवों के लोग। लोगों का कहना है कि नदी पर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन डायवर्शन पुल पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक पोस्टर लगाकर अपनी ड्यूटी निभाई जा रही है। इस ठेकेदार के पीछे बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जन प्रतिनिधियों का हाथ है, इसीलिए इस क्षेत्र की समस्या को एक बंदर बाट बना करके रखा हुआ है। प्रशासन को भी अवगत कराए, कलेक्टर महोदय जी को भी बोले, ठेकेदार से भी बात हुआ इसके विषय में, उन्होंने बोलता है जब इसका डायवर्सन के जब डिस्टर्ब हुआ वहाँ तो हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जब तक कलेक्टर महोदय हमें लिख के एक वहाँ से नहीं देंगे तब तक इसमें अपन दो तीन रोग का पाइप नहीं लगा पाएंगे। शासन प्रशासन के है, ठेकेदार के है, हम तो ये कह रहे दोनों का है। ठेकेदार को दपोस तक तो यहाँ पे बनता, तत्काल इसको आने जाने का ये बनाया ना, अभी एक महीना बाकी है वर्षा का। उम्मीद है प्रशासन अब ध्यान देगा, क्योंकि ये महज छोटी सी पुलिया नहीं है, बल्कि 10 से 12 गांव की जिंदगी यहां से सफर करती है। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। आधे दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो यह पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और इस डायवर्सन से आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि एक ही मात्र ऐसा रास्ता है जो कि ग्रामीणों को सुविधा युक्त है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासनिक रवैया के कारण यहां पर ग्रामीण इस डायवर्सन से आने को मजबूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जानलेवा साबित हो सकता है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी।